नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से एनकाउंटर को लेकर सियासी आरपार का माहौल है। सुल्तानपुर लूट का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह उन्नाव में एनकाउंटर में मारा गया है। और इससे पहले मंगेश यादव एनकाउंटर केस में जाति पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी ने अब फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हार का बदला ले रही है, तो सीएम योगी ने तीखा पलटवार करते हुए साफ किया कि जो भी गुनाह करेगा वो अंजाम भुगतेगा। और इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये है कि एनकाउंटर पर क्यों यूपी में सियासी आर पार चल रहा है, और एनकाउंटर में मारे गए अनुज के पिता ने क्यों कहा गया अखिलेश यादव को सुकून, और क्या योगी वर्सेस अखिलेश में यह सियासी एनकाउंटर सीजन 2 की शुरुआत है। आज इन सवालों के इर्द गिर्द होगी महाबहस, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो बस। अपराधियों के एनकाउंटर पर यूपी में सियासत आर पार। पहले मंगेश यादव, अब अनुज सिंह, मुठभेड़ जारी है। योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपराध पर, अपराधियों के प्रति कठोर है, उसी कठोरता के आधार पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस, योगी जी की एसटीएफ अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। अनुज के पिता ने पूछा, अखिलेश को आ गया सुकून। यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। मुठभेड़ पर अखिलेश का वार, फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी। योगी का पलटवार, जो गुनाह करेगा अंजाम भुगतेगा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि माफियाओं पर हाथ डाल सके, आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो बस। योगी वर्सेस अखिलेश, सियासी एनकाउंटर सीजन 2। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। और सवाल नंबर एक, एनकाउंटर पर क्यों यूपी में सियासी आर पार? ये ऐसी सियासत है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ बदमाशों को ढेर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत उतनी ही तीव्रता से उबल रही है। अनुज के पिता ने क्यों कहा आ गया सुकून? अनुज जिसको कि एनकाउंटर में ढेर किया गया है, उसके पिता पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से कि क्या अब सुकून आ गया? इस पर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछेंगे। सवाल यह भी कि योगी वर्सेस अखिलेश, सियासी एनकाउंटर सीजन 2। अभी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर इतनी राजनीति हुई, और अब अनुज सिंह का एनकाउंटर होता है, तो एक तरह से योगी वर्सेस अखिलेश यानी भाजपा और समाजवादी पार्टी की जो एनकाउंटर को लेकर सियासत है वो किस ओर जा रही है? चर्चा के लिए हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी हैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, पुनीत पाठक जी जुड़ गए हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। साथ ही यशोवर्धन आजाद जी पूर्व आईपीएस भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, सपा ने खूब आरोप लगाए, अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ, अब उस पर ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कमजोर ही एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, फर्जी एनकाउंटर किसी का भी हो नाइंसाफी है। आस्था जी, योगी आदित्यनाथ जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह जनता के इस वादे के साथ आई थी कि हम उत्तर प्रदेश में अपराधियों का समूल नाश करेंगे और जनता को सुकून की नींद सोने की व्यवस्था करेंगे। उसी नीति के तहत लगातार क्रैकडाउन ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़े माफिया इस दुनिया से मिटा दिए गए हैं, ज्यादातर सदस्य उनके जेल में हैं, और जहां तक कि यह सुल्तानपुर डकैती के इस आरोपी की मृत्यु की बात है, इसको गोली लगी, इसने पहले गोली चलाई पुलिस को पकड़ने में, ये चाहता तो पुलिस को पास सरेंडर कर सकता था, इसके बाद अवसर था, नहीं किया। ठीक है, फिलहाल सिग्नल चला गया आलोक अवस्थी जी का, रुक अनुराग जी का करते हैं। अनुराग जी, उसका साथ उसके जो है इलाज कराए के जहां उसको मृत घोषित किया गया, तो पुलिस के ऊपर तो बदमाश को पकड़ना है,
वो वहां इनकाउंटर की नियत से नहीं जाती है, वो पकड़ने की नियत से जाती है। लेकिन किसी के ऊपर चाहे एक मुकदमा हो या एक भी मुकदमा ना हो या 50 मुकदमे हो, अगर पुलिस पे गोली चलाएगा, पुलिस को अपनी आत्मरक्षा करने का वो है और वो अपना आत्मरक्षा में अगर चलाती है गोली, तो उसमें इनकाउंटर होता है। इनकाउंटर करने के लिए इनकाउंटर नहीं किया जाता, जो कि अखिलेश यादव कहना चाहते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, अनुज के पिता पूछ रहे हैं, अनुज सिंह के पिता पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव को अब सुकून आ गया? देखिए, मैंने तो पहले तो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश से अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, अब इनकाउंटर हो रहे हैं तो इसके मतलब अपराधी तो उत्तर प्रदेश में हैं, और अपराधी का इनकाउंटर से अपराध खत्म नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। आपको अपराध की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, जो अपराध की फैक्ट्री चल रही उत्तर प्रदेश के अंदर में, जब तक उस पर ताला नहीं लगाएंगे तब तक उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत है कि कम उम्र के लड़के, 19 साल 20 साल 21 साल के लड़के अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि इनकाउंटर करना आपकी वाहवाही नहीं हो सकती। उसके मतलब जो आप कह रही है कि उसके अनुज सिंह के जो पिताजी कह रहे हैं, अनुज सिंह के पिताजी और अनुज सिंह की बहन साफ साफ कह रही है कि उसने कहा कि 40-40 केस वाले तो बाहर घूम रहे हैं, हमारे बेटे का इनकाउंटर हो गया। उसकी बहन कह रही है, अनुज की बहन, अनुज सिंह की बहन, अगर इनकाउंटर ही समस्या का समाधान है तो फिर न्यायपालिका बंद हो जानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अनुज सिंह की बहन कह रही है, वो सवाल उठा रहे थे ना कि एनकाउंटर सिर्फ पीड़ित परिवार के लोगों का हो रहा है, उसी पर उनके पिता पूछ रहे हैं जिनका बेटा चला गया। क्या बोला आपसे, क्या सुकून आ गया? मैंने तो बोला, मैं उन्होंने उनके मिला ना, बेगुनाहों का इनकाउंटर होगा तो समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठाया है कि सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, सरकार के अगर जनता की नीत के खिलाफ है तो मुझे आवाज उठानी है। और हम आवाज अनुज की भी बोल रहे हैं, अनुज की बहन ने बोला कि नहीं बोला बता दीजिए, कि अनुज की बहन ने नहीं बोला कि भाई न्यायपालिका बंद कर देनी चाहिए क्या? मेरे भाई को इतने सारे मुकदमे नहीं थे जिस तरह से उस पर उसका इनकाउंटर हो गया? उसके पिताजी ने नहीं बोला क्या कि 40-40 मुकदमे वाले बाहर घूम रहे हैं और हमारे बेटे का इनकाउंटर हो गया? तो सवाल आलोक अवस्थी जी, इनकाउंटर दोनों ही मामले, मतलब चाहे वो मंगेश यादव का मामला हो या मामला अनुज सिंह का, मतलब दोनों में सियासत तो जमकर हो रही है। लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये कि मंगेश यादव को भी लेके कहा गया कि वो बदमाश नंबर एक नहीं था, दो नहीं था, तीन नहीं था, शायद चौथा था या तीसरा था, क्यों एनकाउंटर हो गया? अब यही अनुज सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि उस पर उतने मुकदमे नहीं थे, एक केस था, वो कैसे, उसका कैसे एनकाउंटर हो जाता है? आस्था जी, ये जो अनुज मारा गया है, ये इसके पहले सूरत में, गुजरात में भी डकैती का अभियुक्त है, वहां बंद रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, तो कोई जो है साधारण आदमी नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस गोली का जवाब गोली से ही देगी। अब उसमें स्वाभाविक बात है, वो ट्रेंड फोर्स है, उसका निशाना जो है सही लगता है और अपराधी जो है गोली चलाते हैं पुलिस को भागने के लिए, तो यह तो कभी भी नहीं हो सकता कि पुलिस के जवानों की मौत हो जाए। 17 पुलिस के जवान अब तक जो है उत्तर प्रदेश के शहीद हुए हैं खाली इन इनकाउंटर्स में, जिसमें अपराधियों ने उनको उन पर गोली चलाई है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1601 अपराधी घायल अवस्था में, क्या किसी ने कहा है कि हमको फर्जी इनकाउंटर में मारा गया है? और मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि समाजवादी पार्टी बताए कि अपराधियों में जातियां और धर्म क्यों ढूंढ रही है? नवाब यादव बलात्कारी और मोहित खान बलात्कारी के पक्ष में क्यों खड़ी होती है? रामव्रत यादव जब मथुरा में समाजवादी पार्टी का ये जो बदमाश था, इसको प्रश्न था पुलिस का, पुलिस हाईकोर्ट के कहने पे खाली कराने गई तो 27 पुलिस वाले मारे गए, एक कप्तान और एक दरोगा मारा गया। खालिद मुजाहिद एक आतंकवादी लू लगने से मर जाता है तो काली उसका धर्म देख करके आतंकवादी का, दो दो डीजीपी रहे ब्रिजलाल जी और विक्रम सिंह जी के ऊपर हत्या का मुकदमा कायम होता है, 42 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाता है। तो यह समाजवादी पार्टी धर्म देख करके, जाति देख करके, अनुराग जी जवाब दीजिए, एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए उसमें आप लोगों का जो शीर्षक था वो ये था कि पीडीए के परिवार से जुड़े लोगों का ही एनकाउंटर हो रहा है, और आज अनुज सिंह की मौत हुई है तो उसका परिवार पूछ रहा है कि आ गया सुकून? वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका परिवार जो पूछ रहा है उसका जवाब तो नहीं मिला ना, वही तो मैं कह रहा था आपसे। और दूसरा बात, जितनी देर आपने डिबेट की, मैंने बात की कि अपराध क्यों उत्तर प्रदेश में अपराधी पैदा हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है, यंग लड़के आ रहे हैं, इस पे देखो बीजेपी का जवाब नहीं। कहाँ चले गए आप? चले गए वो जाति धर्म पे चले गए। हम नहीं गए जाति धर्म पे, हमने कहा यूथ अगर अपराध उत्तर प्रदेश में अपराध के रास्ते पे जा रहा है तो क्या ये हमारे सरकार की सबकी चिंता की बात नहीं है? अगर वो 14 लोग उसमें शामिल थे उस लूट में, अगर एवरेज एज 21 साल की या 20 साल की आ रही है, 22 साल की आ रही है, तो चिंता का विषय नहीं है ये?
कि भी हमारा हमारा यूथ या हमारी आईबी क्या कर रही है, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है जो यूथ हमारा अपराध के रास्ते पे जा रहा है। ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? इनकाउंटर करना ही जिम्मेदारी है, लेकिन उसको रास्ते पे जो उस रास्ते पे कदम रख रहे हैं इसके यो क्यों रख रहे हैं? इसपे क्या इसपे क्या बहस नहीं होनी चाहिए? इसमें बात नहीं होनी चाहिए भाई? हमें समस्या का समाधान भी तो निकालना है। एक भी दंगा योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक भी दंगा नहीं होने दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, एक भी दंगा नहीं होने दिया। जहां डकैती के आंकड़े हैं 2017 के 263 डकैती हुई थी, आज मात्र 80 डकैतियां में प्रदेश पहुंच गया है। जवाब दे दो। 80% से नीचे उत्तर प्रदेश का अपराध गया है जो देश के अंदर रेप में। ठीक है अनुराग जी, 20 सेकंड उसके बाद में पुलिस पाटक जी का। आज 24वें स्थान पर यूपी आ गया उत्तर प्रदेश। अपराध और अपराधियों के नकल पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए। एक बार सुन लीजिए, मैं बोलूं पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, प्रभु के राम के मंदिर में भी पानी टपकता हुआ पाया गया, वहां पे रोड पे किस तरह से गड्ढे थे और वहां पे कितने भूमाफिया पैदा हुए थे हमें बताने की जरूरत नहीं, आपके मंत्री खुद ही कह रहे थे पीछे हटिए।